देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट पार्ट हम इस चैप्टर का पढ़ने वाले हैं वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम किसे बोलते हैं? एक ऐसी सरफेस जिस पर पोटेंशियल हर जगह इक्वल हो। देखिए, अगर सरफेस हमारी इक्विपोटेंशियल है, इसका मतलब हर जगह उस पर पोटेंशियल इक्वल है। तो अगर हम किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकालेंगे, तो क्योंकि पोटेंशियल वी ए इज इक्वल टू वी बी, क्योंकि पोटेंशियल तो हर जगह सेम ही होगा, इसलिए वो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है। तो हमें इन दोनों को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? जीरो, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो अगर इस जीरो को मैं क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करूंगा तो वर्क डन भी कितना आ जाएगा मेरे पास? जीरो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, क्योंकि सरफेस पे पोटेंशियल हर जगह इक्वल ही होगा, और इक्वल में से मैं इक्वल माइनस करूंगा तो जीरो आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा क्यू से तो जो हमारा वर्क डन है वो भी कितना आ जाएगा? जीरो। इट मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर चार्ज को हम एक से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता, वर्क डन कितना आता है? जीरो। ओके, दूसरा पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं इसका, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर ही आएगा। ठीक है, जैसे हमने निकाला भी रिलेशन बी और ई में, वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। डॉट को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम थीटा की जगह रखेंगे 90 डिग्री, कोस 90 जीरो होता है, तो वी भी हमारा कितना आ जाएगा? जीरो। ठीक है, अब देखिए, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा नॉर्मल ही क्यों आएगा? इसका रीज़न है, देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे नॉर्मल नहीं आएगा तो इसका मतलब वहाँ पे पोटेंशियल की कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी। ठीक है, और नॉर्मल केस में कोई भी सरफेस होती है, ठीक है, जब तक हम उसे चार्ज नहीं करते तो हम मानते हैं कि वो एक न्यूट्रल सरफेस है, जितने उसके पास पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है। तो अगर वी जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस सरफेस में, और इस कंडीशन में वो सरफेस नॉर्मल केस में भी करंट को फ्लो करेगी, और ये हम जानते हैं कि पॉसिबल होता ही नहीं है। नॉर्मल केस में किसी भी मेटल सरफेस को हम टच करते हैं तो हमें करंट नहीं लगता है, जब तक कि उसे करंट से या किसी करंट के वायर से हम टच नहीं कर देते। तो नॉर्मल केस में तो वो सरफेस न्यूट्रल ही होती है। नॉर्मल केस में अगर वहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तो इसका मतलब तो नॉर्मल स्टेट में भी वो करंट को फ्लो करेगी, जो कि हम जानते हैं कभी नहीं होता। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नॉर्मली ही आएगी। तो हमारा कोई जो कंडक्टर है, ठीक है, जब तक हमने उसे चार्ज नहीं किया है तो एक नॉर्मल स्टेट में, एक न्यूट्रल स्टेट में वो किसी भी तरीके से करंट का फ्लो नहीं करता है। ठीक है, पोटेंशियल जीरो होता है, और हम जानते भी हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, वहाँ पे सर्फेसेज आर क्लोजर टुगेदर इन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फार्दर अपार्ट इन रीजन ऑफ वीक फील्ड। जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा वहाँ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज पास पास में होगी, और जहाँ भी वीक होगा वहाँ पे वो दूर दूर हो जाएगी। ये फॉर्मूला से हमने देखा ही था, क्योंकि डी आर इज़ इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू ई। तो ई अगर हमारा डी आर हम इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब ई डिक्रीज हो जाएगा, इस रिलेशन से हम देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम क्या देखा हमने, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। इक्विपोटेंशियल, कोई भी दो इक्विपोटेंशियल कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर उन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल की दो अलग अलग वैल्यू होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, पूरी सरफेस पे पोटेंशियल सेम ही होता है। तो कभी भी कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, और अब डिफरेंट जो हमारे सरफेसेस हैं उन डिज़ाइंस की वजह से हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए कैसी होगी। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रिक सरफेस इस तरीके से रखी हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके नॉर्मली जाएगी, तो ये हमारा डायग्राम हो जाएगा। ये डिस्टेंस दोनों के बीच की इक्वल होगी, सरफेसेस बिल्कुल जो है हमारी आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट, अगर कोई हमारे पास लीनियर चार्ज कॉन्फिग्रेशन है, तो लीनियर चार्ज कॉन्फिग्रेशन के लिए हमारी सरफेस की सिमेट्री कैसे आएगी? सिलेंडर के साथ में, तो उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या बनेगी? सिलेंड्रिकल। इसी तरीके से अगर पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस हैं, तो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए दूर जा रही है,
और उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम इस तरीके से बनेगा, कंसेंट्रिक सर्किल्स और जितने भी सर्किल्स हैं सब सेम डिस्टेंस पे एक दूसरे के साथ में होंगे, ठीक है। और अगर डिसिमिलर चार्जेस होंगे तो भी हमने देखा स्फेरिकल ही सरफेस बनेगी, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स वहाँ भी हम ड्रॉ करेंगे। और डिसिमिलर चार्जेस में हमने देखा प्लस से निकलती है फील्ड लाइंस, माइनस की तरफ आती है, तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे और कंसेंट्रिक सर्किल्स इसके चारों तरफ हम बना देंगे जो कि सेम डिस्टेंस पे होंगे। ओके,